नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, भारत सरकार से रिलेटेड। जी हाँ, एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। बस आपको मैं जो बताऊं वैसे वैसे आपको कर लेना। दुबई के नाम से आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, ये भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी दुबई ने भी दावा किया है। जी हाँ, डिटेल से हम बात कर लेंगे और आपको जॉब की गारंटी भी ये देंगे, जॉब आपके डॉक्यूमेंट भी चेक कर देंगे, पूरा प्रोसेस आपका अच्छा हो जाएगा। आपको कोई समस्या है तो मैं नीचे इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, ईमेल आईडी भी दूंगा, तो दुबई में किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो। जी हाँ, वीडियो बस पूरा देखिए, अन्य लोगों को भी जरूर शेयर कर दें ताकि ये सुविधा का लाभ उठा सकें। एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो सरकार, भारत सरकार ने उसको जारी किया, वो ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड भी कर लेना, लिंक भी मैं उसका शेयर कर दूंगा। जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारत सरकार ने, जी हाँ साथी, वीएई जॉब के लिए एक ऐप बनाया भैया। इसका ऐप का क्या मतलब हो सकता है बता दूं, इंडियन एम्बेसी दुबई में है, आपको सबको पता है, उनके द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा। उसमें मैं बता दूं आपको, नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या आपको कुछ नहीं करना है, एक पीडीएफ को एक ऐप में बताऊंगा, उस पे आपको अपलोड करना है। जी हाँ, अपलोड करने की वजह से आपकी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, जो कंपनी आपको देती है वो डॉक्यूमेंट भी आप भेज सकते हैं, उनको चेक करेगी। जी हाँ, उसमें देखिए, आजकल आपको पता है लगभग कंट्रियों ने वीजा बंद कर रखे हैं, वर्क परमिट वीजा बंद है। यूएई एक ऐसी कंट्री है, यहाँ से इंडिया के लोग दुबई में जा रहे हैं और विजिट में जाके लोगों की बड़ी समस्याएं सामने आ रही है। जी हाँ, आए दिन मेरे मोबाइल पे लोग व्हाट्सअप करते हैं, वीडियो कॉल या फिर वीडियो भी बना के भेजते हैं कि सर एजेंट ने फंसा दिया, ये बोला, हम 2 महीने से बैठे हैं, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमारे रूम मालिक है वो निकालने की धमकी दे रहा है, वगैरह वगैरह। कंपनियां भी इसका फायदा उठा लेती हैं, कंपनी को पता है पासपोर्ट अपने पास में, वीजा एक्सपायर हो गया, कहां जाएगा बंदा। कंपनियां 1-2 महीने काम करवा लेती हैं, वीजा लगाती नहीं है, पासपोर्ट वापस पकड़ा देती है, तो बंदा नहीं घर का रहता है, नहीं घाट का रहता है, बीच में फंस जाता है, उसको खाने को पैसा नहीं होता, इंडिया वापस आने के लिए टिकट का पैसा नहीं होता। एजेंट लोग तो यूं लात मारते हैं जैसे उसने अपने घर भेज के उसको बाहर भेजा था आप लोगों को। जी हाँ, कल की डेट में मेरे पास एक कॉल आया, 90,000 रुपए दुबई के नाम से लिए गए, 1 महीने का वीजा पकड़ा दिया गया, और एजेंट को जब घर वालों की तरफ से कॉल किया गया तो बोलता है तेरे जो मन में वो कर ले, एक देला भी नहीं दूंगा। जी हाँ, आप बताओ जी, बंदा फंसा पड़ा है दुबई में 1 महीने से, घर वाले कॉल करते हैं, वो बोलता है मेरा खर्चा हो गया 90,000 का, मैं कहां से दूं, पैसे और दो, जबकि सच्चाई ये है 1 महीने का वीजा में वो 7,000-8,000 की टिकट, 15-20,000 बंदे दुबई पहुंचा दिया, 90,000 रुपए जेब में लेके जिम गए। जी हाँ, और कंपनी उसका उधर वीजा नहीं लगा दी, तो बंदे इस तरह से फंसे जा रहे हैं। इन सब इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने एक ऐप जारी किया है, उस ऐप का मैं बता दूं, जो हमारे इंडिया के जो विदेश राज्य मंत्री हैं, बता दो, उनके द्वारा 21 जनवरी 2021 को यह ऐप डाउनलोड किया गया था। ऐप का नाम है पीबीएसके ऐप। जी हाँ साथियों, ये काफी लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, आप भी अपने मोबाइल में, आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड, पीबीएसके लिखोगे तो इंडियन एम्बेसी का लोगो आ जाएगा, आपको ये ऐप दिख जाएगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से इंडियन एम्बेसी आपकी क्या क्या हेल्प करेगी वो आपको सुन लेना जरूरी है। इस ऐप पर कई समस्याएं हो सकती है, जैसे श्रमिकों से रिलेटेड मुद्दे, वर्करों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वर्करों को, कंपनियों में तनख्वाह नहीं मिल रही है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी मतलब हर तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, कानूनी समस्याएं दुबई में रहते हुए यूएई में रहते आप लोगों को आ सकती है, उसका आपको मार्गदर्शन मिला जाएगा। अन्य समस्याएं नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ऑफर लेटर से रिलेटेड, सच्चाई जानने की सभी बातें। जी हाँ, ऑफर लेटर सही है, गलत है, फेक है, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की बहुत सारी वे में महिलाएं रहती है, उनको भी बड़ी समस्या आ सकती है अगर आप वे में शादी कर लेते हैं, उससे रिलेटेड कानूनी परामर्श भी आप ले सकते हैं, माइग्रेट से रिलेटेड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु पंजीकरण, बहुत सारे लोगों की वहां डेथ होती है आपको सब पता, अन्य काउंसलर से रिलेटेड सेवा भी प्रदान की जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, आपको करना कुछ नहीं, इसको डाउनलोड करोगे तो इसमें चैटिंग की सुविधा मिल जाती है, पीबीएसके ऐप पे कर्मचारियों के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बता दूं पीबीएसके के ऐप के मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर ये मैं बता देता हूँ, 800-463-42। जी हाँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं
और संकट में अगर आप यूएई में रह रहे हैं, आपको समस्या आ रही है और आपको लगता नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो इस ऐप के माध्यम से ये जो ईमेल आईडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस ईमेल आईडी पे आप बाकायदा उनसे चेक कर सकते हैं। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आया है आंसर, वो आप कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, आपको वहां पे जो पीपीएस के जो ऐप है उस पर अलग से कर्मचारी छोड़े गए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, चैट के माध्यम से आपको बताएंगे। जी हाँ, तो ये मेरे हिसाब से ये ऐप आपके लिए काम का हो सकता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और लोगों को भी ये डाउनलोड जरूर करवा दो ताकि ये मुसीबत के समय काम आ सके। इंडिया में बैठे लोग भी भाई डाउनलोड कर सकते हैं, आपको भी ये सुविधा मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।